नमस्कार दोस्तों, अनोखा रॉक स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस आज एक बार फिर से लेट पहुंची ललितग्राम। यह ट्रेन ललितग्राम में कल भी 1 घंटा लेट पहुंची थी, तो शुरुआती 2 दिनों में जो है 1-1 घंटा लेट यह ट्रेन पहुंची। तो हमारे मन में सवाल आया कि आखिर यह ट्रेन 1 घंटा की देरी से क्यों पहुँच रही है। फॉरबिसगंज से यह ट्रेन ऑन टाइम खुलने के बाद यह ट्रेन नरपतगंज आने में 1 घंटा इसको लेट क्यों हो जा रहा, क्या कारण है, तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि यह ट्रेन पर डे 1 घंटा लेट पहुंचेगी नरपतगंज में। फॉरबिसगंज से यह ट्रेन ऑन टाइम भी खुलेगी तब भी लेट पहुंचेगी। अगर फॉरबिसगंज में अगर लेट हो गई तो 1 घंटा से ज़्यादा लेट पहुँचेगी नरपतगंज में। उसी तरह ललितग्राम में और लेट पहुँचेगी, 1 घंटा से ज़्यादा लेट पर डे पहुँचेगी। तो जो लोग इस ट्रेन का सफ़र करना चाहते हैं वो टाइम जो दिया गया रेलवे की उसे 1 घंटा बाद भी आएंगे तो यह ट्रेन मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं 6 तारीख की यह डिटेल है। जोगबनी से यह ट्रेन 5:03 पर खुली और ऑन टाइम पहुंची फॉरबिसगंज में 5:20 में, और 5:45 में फॉरबिसगंज से खुलने के बाद यह ट्रेन नरपतगंज में 1 घंटा 2 मिनट की देरी से पहुंची। उसके बाद ललितग्राम पहुंचते पहुंचते यह ट्रेन 1 घंटा 9 मिनट की जो है देरी हो गई। तो अब जो है दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। 7 तारीख की है, यह ट्रेन फॉरबिसगंज पहुँची और जो है लगभग 23 मिनट की देरी से, और वहाँ से ऑन टाइम 5:45 में खुली और फिर यह ट्रेन 55 मिनट की देरी से पहुँची नरपतगंज। उसी तरह ललितग्राम आते आते यह ट्रेन 1 घंटा 2 मिनट की देरी से आई। तो सामने आप मैप देख रहे हैं, मैप जो देख रहे हैं जोगबनी से फॉरबिसगंज आने में इस ट्रेन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉरबिसगंज से जैसे यह ट्रेन नरपतगंज की ओर बढ़ रही है तो लेट हो जा रही है। तो ये मैप आप देख सकते हैं, ललितग्राम आते आते 1 घंटा से ज़्यादा लेट हो रही है। तो आखिर क्या कारण है यहाँ? आप सभी को बता दें कि किसी ट्रेन का यहाँ पर जो है क्रॉसिंग भी नहीं है और कोई माल ट्रेन इस रूट से अभी गुजर नहीं रही है, क्योंकि लोको रिवर्सल करने की वजह से जो है माल ट्रेनों का यहाँ से परिचालन नहीं हो रहा। तो आखिरकार यह ट्रेन लेट क्यों हो रही है, क्या मुख्य कारण है? तो इस वीडियो में हम आपको तमाम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फॉरबिसगंज से नरपतगंज की जो दूरी है वह 17 किलोमीटर की दूरी है, और 17 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए जो टाइम दिया गया है वो महज 5 मिनट का दिया गया है। उसी तरह बात करें फॉरबिसगंज से ललितग्राम के बीच की दूरी की बात करें तो लगभग 29 किलोमीटर की दूरी है, और यह ट्रेन फॉरबिसगंज से 5:45 में खुलने के बाद 6:05 पर इस ट्रेन को ललितग्राम में पहुंचना है, जो कि असंभव है। यानी लगभग 20 मिनट का समय जो है दिया गया 29 किलोमीटर का दूरी तय करने के लिए। तो यह जो है दूरी जो है 29 किलोमीटर का है और टाइम जो है महज 20 मिनट दिया गया, जिसके वजह से यह ट्रेन लेट हो रही है। और यह ट्रेन पर डे लेट होगी, क्योंकि भारत की कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो 20 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी जो है तय करेगी, अगर हम वंदे भारत की बात छोड़ दे। तो रेलवे के जो अधिकारी हैं और जो टाइम टेबल बनाए हैं, हमको लगता है कि वो शराब पी कर बनाए हैं, और इसीलिए लगता है कि टाइम टेबल उनको ध्यान में नहीं आया है। और लगभग 29 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए महज 20 मिनट का समय दिया गया, ट्रेन को कम से कम लगभग 150 किलोमीटर से ऊपर दौड़ाना पड़ेगा। तो यही कारण है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।